नमस्कार एंड वेलकम बैक टू इंडियन मदर किचन रेसिपीज। आपका मेरे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं द्रौपदी जिनांगर आप सभी के सामने एक प्यारी सी छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो है मेरी स्वीट दलिया से रिलेटेड। यहाँ पे मैंने जो है मीठा दलिया बना लिया है, जिस तरीके से हम हलवा बनाते हैं उस तरीके से मैंने इस दलिया को बना लिया है। और यहाँ पे ले लिया है गरम दूध, जिसे मैंने गिलास में डाल लिया है। और ये रेसिपी जो है बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक के लिए बहुत ही अच्छी यानी कि बहुत ही पसंद की जाने वाली रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक कटोरी में मीठा दलिया और एक गिलास मैंने दूध ले लिया है। और जो लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं वो हल्का मीठा रख सकते हैं दलिये में। और यहाँ पे मैंने क्या है कि दूध को ऑटमील में ऐड कर दिया है, मीठे दलिये में ऐड कर दिया है, और जिसे मैं चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जितने भी दलिये के लम्स हैं वो सारे चम्मच की मदद से मैं हटा दूँगी और दलिया एकदम से स्मूथ और एकदम से पतला बन कर के यानी कि तैयार हो जाएगा। और ये जो दलिये की रेसिपी है ये छोटे से लेके बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक सबको पसंद की जाने वाली रेसिपी है। और गर्मियों में तो ये दलिया बहुत ज़्यादा खाया जाता है। कुछ घरों में तो इसे रात को ही तैयार करके रख दिया जाता है और कुछ घरों में सुबह के टाइम ही बना लिया जाता है। आपको जैसे अच्छा लगे आप उस तरीके से तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर दलिये के जितने भी लम्स थे वो परफेक्टली ख़त्म हो गए हैं और दूध और दलिया आपस में दोनों मिक्स हो गए हैं। और जैसे कि जो बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं और यानी कि सुबह के टाइम खाने का कुछ मन ना हो, तो सुबह के टाइम एक कटोरी दलिया ले लीजिए, जो नाश्ते के तौर पे बहुत ही अच्छा काम करता है। और जैसे कि रात में हम दूध लेना पसंद नहीं करते हैं सोते टाइम, आप एक कटोरी दूध दलिया खा लीजिए, अच्छे से ठीक रहेगा। जो कि शाम के टाइम खाना नहीं खाते उनके लिए बहुत ही अच्छा रात का डिनर साबित होता है, हल्का फुल्का भी रहता है और पचाने में भी बहुत आसानी होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो ऑटमील मिल्क दलिया है वो तैयार हो गया है, मीठा दलिया। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।